बदरुद्दीन को जो कहना था कह लिया, जो बताना था बता लिया। मर्दानगी तो छोड़िए, बदरुद्दीन ने अपने बयान में 18-20 साल की हिंदू लड़कियों को नहीं छोड़ा। खाद पानी पौध न जाने क्या क्या कह गए। हालांकि इस बीच हंगामा हुआ तो माफी मांग ली, लेकिन विवाद थमता नहीं दिख रहा। इस बीच मौलाना बदरुद्दीन पर असम के हिंदूवादी नेता ने हमला किया है और ताबड़तोड़ हमले में वो सब कुछ कह दिया जो कहा जा सकता था। ये है हिमंता के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता कलिता। बदरुद्दीन ने हिंदुओं की मर्दानगी पर सवाल उठाया तो कलिता को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पलटवार किया और कहा, तुम मुसलमान हो और हम हिंदू, क्या हमें तुमसे सीखने की जरूरत है? राम और सीता के इस देश में बांग्लादेशियों की यहाँ कोई जगह नहीं है, हमें मुसलमानों से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। कलिता ने आगे कहा, ऐसा कहकर तुम अपनी ही माँ बहनों पर आरोप लगा रहे हो। मैं इसकी निंदा करते हुए तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि भारत में दोबारा ऐसा मत करना। अगर ऐसा करना है तो बांग्लादेश चले जाओ। राजनीति के लिए इतना नीचे मत गिरो कि अपनी माँ बहनों को बेचने के लिए आमादा हो जाओ। आपको बता दें कि मौलाना बदरुद्दीन ने हिंदुओं की मर्दानगी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ। बदरुद्दीन ने कहा था कि मुसलमानों में लड़कियों की शादी 18 साल पर करने की इजाज़त सरकार ने दी है, जो कि कर दी जाती है, लेकिन हिंदुओं में लोग 40-40 साल तक शादी नहीं करते और शादी से पहले 2-3 गैर कानूनी तरीके से बीवियां रखते हैं और बच्चे होने नहीं देते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि खर्चा बच सके। शादी से पहले खूब मजा उड़ाते हैं, उसके बाद जब 40 के होते हैं तो माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो शादी कर ली। फिर 40 साल बाद बच्चा पैदा करने की ताकत कहाँ रहती है। इतना ही नहीं, मौलाना यही नहीं रुके, मौलाना ने आगे कहा, जब ये स्थिति रहेगी तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हिंदुओं के यहाँ जनसंख्या बढ़ेगी? जो लोग समय से उर्वरक जमीन पर मिट्टी और दवा डालेंगे तो वहाँ से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लौह लहान होगी, तरक्की ही तरक्की होगी। इसके बाद मौलाना ने हिंदुओं को सलाह दी कि उन्हें भी मुसलमानों के फॉर्मूले को अपनाना चाहिए। अपने लड़कों की 20-22 के उम्र में शादी कराओ, लड़कियों की 18-20 की उम्र में शादी कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन 2 नंबर का धंधा मत करो। हालांकि इसके बाद बवाल हुआ तो मौलाना ने ये कहते हुए माफी मांग ली कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो क्षमा करें। आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। VK News, राष्ट्र के नाम।